Asus Zenfone Max Pro M1 ने बजट सेगमेंट में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके अपग्रेड में भी कंपनी ने पुराने फॉर्मूला को ही दोहराया है। Snapdragon 660 प्रोसेसर का दामन थामा गया है और कीमत सिर्फ 12,999 रुपए रखी है। क्या Asus ने Zenfone Max Pro M2 के जरिए अपनी सभी चुनौतियों को मात दे दी है? आइए जानते हैं। Asus Zenfone Max Pro M2 में लैमिनेटेड बैक पैनल है जिससे इसको ग्लॉसी फिनिश मिलता है। इस वजह से उंगलियों के निशान आसानी से पड़ जाते हैं। इस प्राइस रेंज के अन्य स्मार्टफोन की तरह इसका फ्रेम भी प्लास्टिक का है। Zenfone Max Pro M2 में पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप है सिंगल LED फ्लैश के साथ। फिंगरप्रिंट सेंसर मध्य में है और इस तक पहुंचना आसान है। फोन में 6.26 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। टॉप पर नॉच है और डिस्प्ले 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला है। नॉच में सेल्फी कैमरे, फ्लैश और सेंसर्स को जगह मिली है। यह इस प्राइस सेगमेंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। स्क्रीन पर सनलाइट में पढ़ पाने में दिक्कत नहीं होती। डिस्प्ले बढ़िया व्यूइंग एंगल के साथ आता है। Asus Zenfone Max Pro M2 में टॉप और किनारों पर बेहद ही पतले बेजल हैं, लेकिन निचले हिस्से में बेजल बेहद ही थिक है। Asus ने Zenfone Max Pro M2 में किनारों को कर्व्ड रखा है जिससे ग्रिप अच्छी मिलती है। चौंकाने वाली बात है कि बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन वजनदार या बल्की नहीं लगता। इसमें Snapdragon 660 प्रोसेसर है जो Snapdragon 636 से ज्यादा पावरफुल है। इस प्रोसेसर का इस्तेमाल Xiaomi Mi A2, Realme 2 Pro और Vivo V9 Pro जैसे हैंडसेट में हुआ है। रैम और स्टोरेज पर आधारित तीन विकल्प हैं, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज। तीनों ही वेरिएंट में अलग माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के जरिए स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है। दोनों ही सिम स्लॉट में 4G और VoLTE के लिए सपोर्ट है। Asus का ये स्मार्टफोन भी स्टॉक एंड्रॉइड पर चलेगा। उम्मीद है कि कंपनी इस फोन के लिए ज्यादा तेजी से अपडेट जारी करेगी। कंपनी ने अभी स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 8.1 ओरियो के साथ पेश किया है और साथ में जनवरी 2019 में एंड्रॉइड पाई अपडेट देने का वादा किया है। यह अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। तेज प्रोसेसर और स्टॉक एंड्रॉइड के कारण Zenfone Max Pro M2 की परफॉर्मेंस बेहद ही स्मूथ है। हमारे रिव्यू यूनिट में लैग या स्टटर की कोई शिकायत नहीं मिली। आप फोन अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिव्यू के दौरान हमने पाया कि स्कैनर डिवाइस को अनलॉक करने में थोड़ा धीमा है। इसके अलावा हमें किसी भी ऐप को फुल स्क्रीन मोड में चलाने का सेटिंग नहीं मिला। इस कारण से ज्यादातर ऐप्स लेटरबॉक्स चले। PUBG मोबाइल मीडियम सेटिंग्स पर चला। हम बिना किसी लैग या फ्रेम ड्रॉप के इस गेम को खेलने में सफल रहे। लगातार 25 मिनट गेम खेलने के बाद फोन थोड़ा गर्म जरूर हो गया। हैंडसेट की बैटरी लाइफ बेहतरीन है। इसका श्रेय 5000mAh की बैटरी को जाता है। HD वीडियो लूप टेस्ट में फोन ने 17 घंटे 58 मिनट बाद दम तोड़ा। रेगुलर इस्तेमाल के दौरान दिन के आखिर में करीब 55% बैटरी बची रही। रिटेल बॉक्स में दिए गए 10 वॉट के चार्जर ने बैटरी को 1 घंटे में 52% चार्ज किया। हमें इस फोन पर वीडियो देखने और गेम खेलने में मजा आया। स्पीकर भी काफी लाउड है। Asus ने Zenfone Max Pro M2 में कैमरा सेटअप को अपग्रेड किया है। आपको पिछले हिस्से पर 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। फ्रंट पैनल पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कैमरा ऐप सिंपल है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है। शूटिंग मोड, ब्यूटिफिकेशन, डेप्थ इफेक्ट और फ्लैश सेटिंग्स के लिए टॉगल है। आपको तस्वीरें लेने से पहले फिल्टर अप्लाई करने का भी विकल्प मिलेगा। एक प्रो मोड है जिसमें आप फोकस, शटर स्पीड, ISO, एक्सपोजर और वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर पाएंगे। AI सीन डिटेक्शन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन Asus ने दिसंबर में एक अपडेट के जरिए इस फीचर के साथ Zenfone Max Pro M2 में EIS और फ्रंट कैमरे में बोके मोड लाने की बात की है। Zenfone Max Pro M2 से शूट करने के दौरान हमने पाया कि कुछ सीन में यह सटीक एक्सपोजर सेट करने में सफल नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर दिन में कुछ तस्वीरें ओवर एक्सपोज आई। कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट में यह डिटेल कैप्चर नहीं कर पाता है। मैक्रो शॉट ज्यादा डिटेल के साथ आते हैं और फोन सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने का अच्छा काम करता है। पोर्ट्रेट मोड को आसानी से इनेबल किया जा सकता है। आपको ब्लर के स्तर तय करने का विकल्प मिलेगा। HDR मोड को और बेहतर करने की जरूरत है। यह सीन में ब्राइट एरिया को तो हैंडल कर लेता है, लेकिन शेडोज में डिटेल खो देता है। कम रोशनी में कैमरा परफॉर्मेंस औसत है। फोन अपने आप नाइट मोड में स्विच नहीं करता। लैंडस्केप शॉट को सेव करने में फोन थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है। आउटपुट संतोषजनक है, क्योंकि जूम इन करने पर डिटेल की कमी साफ झलकने लगती है। सेल्फी बेहतरीन आते हैं और फेस डिटेक्शन सुनिश्चित करता है कि ग्रुप सेल्फी लेते वक्त
कोई फेस ब्लर ना हो। ब्यूटिफिकेशन भी उपलब्ध है। आप प्राइमरी कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और सेल्फी शूटर से 1080 पिक्सल के। वीडियो स्टेबलाइजेशन 1080 पिक्सल पर उपलब्ध है और फोन शेक कम करने में सफल रहता है। Asus ZenFone Max Pro M2 के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर ZenFone Max Pro M1 की सफलता को देखते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि Asus ने Snapdragon 604 प्रोसेसर और 5000 mAh बैटरी देकर मजबूत दावेदारी पेश की है। स्टॉक एंड्रॉइड एक और सही फैसला है। अगर Asus नियमित तौर पर अपडेट देने में सफल रहती है तो ग्राहकों के लिए सोने पर सुहागा होगा। कीमत Asus ZenFone Max Pro M2 का सबसे मजबूत पक्ष है। 12,999 रुपए में इस फोन को खरीदने में कोई नुकसान नहीं है। हमने 14,999 रुपए वाले वेरिएंट को रिव्यू किया है, जो Realme 2 Pro और Realme U1 जैसे हैंडसेट से थोड़ी ज्यादा है। सॉफ्टवेयर ZenFone Max Pro M2 को आगे ले जाता है। हमारे विचार से यह ColorOS से बेहतर है। अगर कैमरा आपकी प्राथमिकता है तो Realme 2 Pro ज्यादा बेहतर है। तो यह था हमारा Asus ZenFone Max Pro M2 का रिव्यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज़ पढ़ने के लिए gadgets.ndtv.com/hindi पर लॉगिन करें।